कोरोना की वजह से आज विधानसभा की कार्यवाही को भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से बातचीत की। सदन को स्थगित करने का फैसला, देखिए आज सदन आहूत हुई और सदन आहूत होने के उपरांत आपने सदन के माननीय सदस्यों की भावनाओं को भी सुना। देश और राज्यों में और पूरी दुनिया आज एक संक्रमण से गुजर रहा है, इसको लेकर सभी माननीय का चिंता रहा और कार्य मंत्रालय की बैठक माननीय अध्यक्ष जी ने बुलाई, तदुपरांत सभी लोगों की सहमति बनी कि सदन का भी कार्रवाई को बंद रखा जाए, क्योंकि राज्य सरकार ने लॉकडाउन की भी घोषणा कर दी है। राजहित में को ध्यान में रखते हुए और सभी माननीयों का भावना के साथ सदन ने आज सदन स्थगित करने की कार्रवाई की। चलिए, एनआरसी और एनपीआर का प्रश्न झारखंड के लिए कितना जरूरी था आपके समझ से? देखिए एनपीआर एनआरसी सीए इस सभी एक चीजें हैं। प्रथम चरण का एनपीआर के माध्यम से कहीं ना कहीं इस राज्य का देश का सबसे गरीब आदिवासी दलित शोषित पीड़ित भूमिहीन सभी लोगों को आहत करने वाला है और आपने देखा है कि इस विषय को लेके कई राज्यों के भी अपने अपने विचार आए हैं। राजहित में ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि यहाँ एनपीआर जो होगा 2010 के तर्ज पर होगा। बहुत कंफ्यूजन की स्थिति है क्योंकि सीमा पे भी लोग जमा हैं, अभी नहीं घुस पा रहे हैं। अभी धीरे धीरे सभी चीजें सेटल डाउन होगी। कल हम लोगों ने एक हाई लेवल मीटिंग की बैठक की, उसके उपरांत ये निर्णय लिया गया कि राज्य को लॉकडाउन किया जाए। उसमें क्या क्या एहतियातन बरते जाएंगे, क्या क्या छूट रहेंगे, क्या क्या ये रहेंगे, वो सभी चीजें निर्णय लिए गए हैं। अब इनको धरातल पर कैसे उतारना है, आम जनों को कैसे सहूलियत देते हुए इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना है, इस विषय पर अभी हम लोग पुनः आला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, उसके उपरांत आपको सबकी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू सर। कहां पर हेमंत सोरेन ने भी कहा कि लॉकडाउन राज्य को किया गया है एहतियातन और इसके पालन करना चाहिए, इसका पालन सभी को करना चाहिए।